ग्वालियर में गवर्नमेंट बैंक की असिस्टेंट मैनेजर के साथ उसकी ही पति द्वारा अननेचुरल सेक्स करने का मामला सामने आया है। असिस्टेंट बैंक मैनेजर से डॉक्टर पति शादी के बाद से ही गलत तरीके से संबंध बना रहा था। विरोध करने पर वह सीने पर राइफल अड़ा देता है। वह उसे दहेज में 10 लाख रुपए लाने की डिमांड करता था। मारपीट से बचने के लिए वह सास को अपनी सैलरी से 10,000 रुपए महीना देती थी। बैंक ऑफिसर ने इस दौरान एक बेटे को भी जन्म दिया, लेकिन प्रेगनेंसी के समय भी डॉक्टर पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पत्नी ने विरोध किया तो उसने बेटे को समेत उसे घर से निकाल दिया। 2 दिन पहले पत्नी ने मामले की शिकायत थाटीपुर थाने में की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अननेचुरल सेक्स और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। थाटीपुर निवासी 30 वर्षीय रानी एक गवर्नमेंट बैंक में बतौर असिस्टेंट मैनेजर पदस्थ है। 15 जनवरी 2020 को उनकी शादी थाटीपुर निवासी डॉक्टर राजा के साथ हुई थी। शादी कुछ दिन तक तो ठीक चला, लेकिन शादी एक महीना पति का असली चेहरा उसके सामने आ गया। पति अननेचुरल सेक्स करने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो अलमारी से राइफल निकालकर उसके सीने पर अड़ा दिया था। उसके बाद यह रोज की बात हो गई। वह उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने लगा। उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की। असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने पुलिस को बताया कि ऐसा नहीं है कि पति ही उसे प्रताड़ित करता था। 10 लाख रुपए के लिए सास ससुर व देवर भी प्रार्थना देते थे। कई बार उसे पीटा जाता था। बचने के लिए उसने सास को 10,000 रुपए महीना अपनी सैलरी से देना शुरू कर दिया। इसके बाद भी उस पर प्रताड़ना कम नहीं हुई। पति गलत तरीके से संबंध बनाने के लिए पीटता था तो सास ससुर और देवर दहेज के लिए। शादी की पहली सालगिरह पर बैंक ऑफिसर के पिता ने डॉक्टर दामाद को सोने के चेन और 1 लाख रुपए नगद दिए थे। कुछ समय बाद मैनेजर ने बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति और उसके परिजन की डिमांड नहीं हुई। एक दिन उसे बेरहमी से पीटा और घर से निकाल दिया, जिसके बाद से वह असिस्टेंट बैंक मैनेजर अपने पिता के घर रह रही है। साथ ही शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले के आरोपी पति व उसके पिता, भाई और मां पर मामला दर्ज कर लिया है।